नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू, दिखा उत्साह। अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया ऑनलाइन पंजीकरण। पहली दूसरी से भी बड़ी हिला रही है कोरोना की तीसरी लहर, हफ्ते में 3 गुना बढ़ गए हैं केस। कानपुर में युवाओं को योगी सरकार का तोहफा, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने किया निशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का शुभारंभ। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, घटना को बताया सोची समझी साजिश, केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे को बताया मुख्य आरोपी। उन्नाव से स्लॉटर हाउस के इंजीनियर के अपहरण का मामला, कार समेत 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, इंजीनियर का फोन छीन किया गया था, 1.25 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार ने कानपुर से युवाओं को निशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की शुरुआत कर दी है। कानपुर विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम के पहले चरण में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने 2,792 टैबलेट और मोबाइल का वितरण किया। यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर अपने पाले में खड़ा करना चाहती है। इसी क्रम में आज कानपुर में भी छात्र छात्राओं को निशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सीएसजीएमयू के ऑडिटोरियम में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की। इसके बाद उन्होंने छात्र छात्राओं को अपने हाथों से मोबाइल और टैबलेट बांटे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि मोबाइल और टैबलेट आपके भविष्य के लिए दिए जा रहे हैं, इसे व्हाट्सएप और फेसबुक तक सीमित ना रखें। उन्होंने कहा इसे अपने ज्ञान का हथियार बनाएं। टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की योजना है, उसके शुरुआत जो 25 दिसंबर को लखनऊ में 1 लाख उपकरण बांट के प्रारंभ की गई थी, आज यहां पर कानपुर में उसकी शुरुआत है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे कर्मठ जिलाधिकारी श्री विशाख जी, हमारे सीडीओ श्री महेंद्र कुमार, डॉक्टर महेंद्र कुमार जी, यूनिवर्सिटी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से जिस प्रकार से बहुत तेजी से प्रगति करी है, उसके कारण एक स्लोगन आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आजकल दुनिया बहुत छोटी है और हर व्यक्ति के पास सारी वो जानकारी अवेलेबल है जो वो चाहता है। प्रदेश सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात तो सोचा कि हमारे नौजवान बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन होना चाहिए, टैबलेट होनी चाहिए। कमाल अपने लिए कितना करते हैं और अपने भविष्य के लिए कितना करते हैं, ये बहुत विचारणीय विषय, क्योंकि ज्यादातर समय हमारे पास अगर फोन है तो हम उसको व्हाट्सएप फेसबुक तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं, सारा समय हम उसमें। मेरा बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने भविष्य को, मैं एक जगह में गया, वहां पर एक सर्टिफिकेट वितरण का काम था जो स्किल मैनेजमेंट से संबंधित थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने स्किल मैनेजमेंट से संबंधित कौन कौन सी जानकारी इस फोन से प्राप्त की, तो उसमें से कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि चलो ठीक है आप बताते चले। कि कानपुर में फिलहाल 2792 टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 1 लाख स्मार्टफोन टैबलेट बांटकर की थी। बाकी उनके कॉलेजेस में दिया गया, तो जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो अपने फाइनल ईयर में हैं उनको कॉलेजेस के अंतर्गत ही मिलेगा, और ये योजना चलती रहेगी मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार, क्योंकि जितना प्रोडक्शन है उसे अधिक से अधिक सरकार ने कहा है कि हम उसको लेंगे, और हर बच्चे को आज के नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई आवश्यकताओं के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनके जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके हिसाब से, और जो वो वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब से बच्चों को इसका सहयोग मिलेगा और उनको बहुत ताकत मिलेगी अपने आप को डिजी वर्ल्ड से जोड़ने के लिए, और डिजी शक्ति कार्यक्रम उसी का एक कड़ी के रूप में आज यहाँ पर कार्यक्रम के लिए। सर, लेकिन ये साल के आखिरी में कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि वोट खींचने की राजनीति कर रहे हैं। ना साल के आखिरी में किया था, ना शुरू में किया था, तो शुरू में भी तो कुछ नहीं किया। हम तो शुरू से लेकर आखिर तक काम करते हैं, हम पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करते हैं, और अगले 5 साल फिर हम यही काम करते हैं। आज से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। पहले दिन टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों की भारी भीड़ नजर आई। टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल पर 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके।
देश भर में आज से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। बता दें कि बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने की लंबी लाइन देखी गई। जानकारी के मुताबिक यूपी, गुजरात, आसाम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल के अलावा कई राज्यों में इस बड़े मिशन की शुरुआत हुई है। टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। कोविड वेबसाइट के मुताबिक अब तक 15 से 18 साल की उम्र के 12 लाख से ज्यादा बच्चे टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सोमवार को करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीन की खुराक ली। बता दें कि कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के अलावा बच्चे सीधा टीका केंद्र जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उन्हें तुरंत टीका भी लगाया जाएगा। बच्चों को टीकाकरण अभियान के आगाज होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान योगी ने कहा कि प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या लगभग 1,40,00,000 है। प्रदेश में 2,150 केंद्रों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज। कानपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की बैठक संपन्न हुई। एक सपा कार्यालय में हुई मीटिंग में सपा गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए और एकजुटता के साथ कैसे चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित की जाए इस पर चर्चा की गई। कानपुर के नवीन मार्केट स्थित सपा कार्यालय में नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने जिन पार्टियों से गठबंधन किया है उन पार्टी के अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है जिसमें चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक दल के नेता सुरेश गुप्ता, उस्मान अली और प्रसपा के नगर अध्यक्ष आशीष चौबे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों का पूरा सहयोग करेगी। 2022 में सपा की सरकार बनना तय है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आज जो बैठक करेंगे क्या है उसको? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्णय पर आज यहाँ हम लोगों ने जो भी गठबंधन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने करे हैं उन सब के कानपुर महानगर के अध्यक्षों को और उनके वरिष्ठ नेताओं को आज हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया है और हम लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के कानपुर महानगर के कार्यालय में बैठकर हम सब लोग इसके बारे में, क्योंकि गठबंधन हुआ है तो इसके विचारों के आदान प्रदान और तमाम सूचनाओं के लिए हम सब लोग आज यहाँ पे एकत्र हुए। ये तो कितने दलों से गठबंधन? नहीं, लगातार हम लोग मिल रहे हैं। हमारे साथ में रालोद के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश गुप्ता जी, हमारे साथ में रालोद के ही अध्यक्ष भाई उस्मान भाई, हमारे साथ में प्रसपा के अध्यक्ष आशीष चौबे जी, हमारे साथ में अपना दल के मनीष पटेल जी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के बुद्धदेव जी, राजभर पार्टी के साजन राजभर जी और महान दल के शिवशंकर कुशवाहा जी और हमारे साथ में सुरेंद्र प्रजापति जी और सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब लोग के साथ यहाँ बैठकर हम लोग ने विचार विमर्श किया है। अभी अभी बैठक समाप्त हुई है और लगातार हम लोग अपने निर्णय के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का 2022 में हम लोग सरकार बनाएं और आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। कानपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान यात्रा में शामिल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। यात्रा के दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। खुद डिप्टी सीएम की गाड़ी भी काफी देर तक जाम में फंसी रही। औद्योगिक नगरी कानपुर में भाजपा की जन विश्वास यात्रा में भारी जोश देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम जनता में जोश भरा। आपको बता दें कि कानपुर दक्षिण से शुरू हुई यात्रा किदवई नगर, गोविंद नगर, महाराजपुर, छावनी, आर नगर, सीसामऊ, कल्याणपुर और बिठूर विधानसभा क्षेत्र में घूमी। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने नागेश्वर मंदिर में आरती कर बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। इस दौरान यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। स्टॉल लगाकर भाजपाइयों ने यात्रा में नेताओं के ऊपर पुष्प वर्षा की। वहीं बिठूर में यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर कहा गया कि 2022 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे घंटा बना ले भैया यार, नेता जी बड़ा रुका।
यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम केशव मौर्य की गाड़ी 20 मिनट तक जाम में फंसी रही। डिप्टी सीएम की गाड़ी को जाम से निकलवाने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। कानपुर में वाल्मीकि मेला कमेटी की एक बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान कमेटी के पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। कानपुर में महर्षि वाल्मीकि मेला कमेटी के संचालकों ने अध्यक्ष और महामंत्री का चयन किया। इसके साथ ही युवा और महिला प्रकोष्ठ पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। मेला कमेटी संचालक मंडल के मुन्ना हजारिया ने बताया कि नववर्ष के उपलक्ष्य में हर साल कार्यक्रम किया जाता है। बैठक में नए पदाधिकारियों के चयन के साथ आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। आज जो हमारी बैठक हुई है, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सपरिवार से आप खुशहाल है मेरा कमेटी की ओर से। आज हमारा आय व्यय का जो ब्यौरा था वो प्रस्तुत हुआ। साथ ही हमारे संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा जो नव निर्वाचित अध्यक्ष महामंत्री हैं उनका भी चयन हुआ है। युवा प्रकोष्ठ का चयन हुआ है, महिला प्रकोष्ठ का भी चयन हुआ है। मेन बॉडी में हमारे जो अध्यक्ष बने हैं तो हमारे सागर जी बने हैं और महामंत्री बने हैं हमारे क्या नाम का यार युवा प्रकोष्ठ के हैं हमारे अध्यक्ष क्या नाम है बजन मकुरिया और महासचिव बने हैं हमारे क्या नाम है सचिन सजवेरा। महिला विंग की जो कमेटी हमारे संचालक मंडल द्वारा चुनी गई है वो प्रेमा देवी अध्यक्ष बनी है और महामंत्री बनी है प्रतिभा चौधरी जी। आज जो हमारी बैठक का मुख्य उद्देश्य था, जो हम लोग नए वर्ष में विगत 24 वर्षों से लगातार करते आए हैं, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और नौ वर्ष प्रवेश के उसमें हम लोग तहरी भोज का भी आयोजन करते हैं। जो जोड़े आते हैं उनको भी सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर आज बैठक हुई है और आगामी 9 जनवरी को ये हमारा 9 पदाधिकारियों का चयन होगा, जिसमें मेन बॉडी में राम सागर जी हैं जी, युवा बॉडी में हैं सचिन सवेरा अध्यक्ष और महामंत्री बजेंद्र मकुरिया जी, और दूसरे महिला विंग में भी हमारी प्रेमा देवी और हमारी प्रतिभा चौधरी जो अध्यक्ष चुनी गई हैं। साथ ही साथ जो हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी हैं विनोद कुमार एडवोकेट और चौधरी रामगोपाल वाल्मीकि जी, ये हमारे संचालक मंडल की भी शपथ नहीं है सभी का। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहें एबी न्यूज़। नमस्कार।